अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आज का व्लॉग मेरा होगा मेरे गांव के नाम। तो मेरे गांव में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको मैं आप बताऊंगा इस वीडियो के डिटेल में। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, पहले मेरा व्लॉग जो था वो सिंधी में था। तो कुछ दोस्त थे जिनको ये समझ में नहीं आया कि सिंधी में क्या ये बोल रहे हैं। मैं आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो के ज़रिए मैं आपको मेरे गांव की सैर कराऊंगा। तो चलें आप ये देखें, ये पानी का सामने तालाब आ रहा है दोस्तों। तो ये देखें आप, ये पानी बिल्कुल पीने के लायक भी है। ये देखें ये कितनी सफाई है पानी में। तो ये देखिए आप, ये सामने ट्यूबवेल पड़ा है जिसके ज़रिए ये पानी निकालते हैं इससे बाहर से। जी गाइस, तो हम अभी उसी फार्म पर पहुँचे हैं जिसके नाम पे ये पूरा गांव जाना जाता है। तो ये इसका एंट्री गेट है, एमनानी फार्म, ये देखिए आप सामने। तो इसी गेट से हम चलेंगे अंदर और आपको बताएंगे अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं। ये गांव किसके नाम पे ये बना हुआ है? गांव जो है अभी जिसके पास हम काम कर रहे हैं उनके दादा के नाम से गांव जाना जाता है। उसका नाम था मास्टर टलराम, उसके पांच बेटे हैं, पांच बेटे थे जिसमें चार का इंतकाल हो गया है, एक अभी है। जिसमें बड़ा बेटा था दौलत राम, उसके बाद दीपक चंद्र साहब और कुमार रमेश जो है वो अभी है। टोटल कितने गाँव हैं? टोटल तकरीबन 15 से 20 गांव हैं, मगर हम जो है सारे जो भाइयों की तरह रह रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ कौमें हैं। तो अभी रखवाली कर रहे हैं वो कौन है अभी जो इसको संभाल रहे हैं सारा काम? अभी मास्टर टलराम के पोते हैं, वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेश हो गया, जय साहब हो गया और नितेश साहब। इस तस्वीरों में सबसे खास बात ये देखें, मोहनजोदड़ो की ये असर बने हुए हैं। तो ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये उन्हीं चार भाइयों की है जो अपना अपना टाइम यहाँ से गुजार के गए हैं। यहाँ पर एक आलीशान स्विमिंग पूल भी बना हुआ है मेहमानों के लिए, कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए तो। यहाँ देखें आप कितने प्यारे हिरन हैं, ये देखें आप जो हमें देखकर ये भाग रहे हैं। देखो ये एक नायाब नस्ल का मोर है, ये देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरे गांव की ये सबसे खूबसूरत ये जगह देखो आप, ये बर्फ़ का कारखाना है। ये देखिए आप इसमें कैसे बर्फ़ जमती है। ये अभी तो सर्दियों की वजह से बंद था, अभी स्टार्ट होने वाला ही है। ये देखो अभी इसमें काम चल रहा है। भाई इसमें कितने मजदूर चाहिए एक साथ काम करने के लिए? इसमें चाहिए तकरीबन चाहिए सात से आठ दस बंदे काम कर लेते हैं इधर। अच्छा। ये पूरा हाल है ना, ये पूरा हाल गाड़ियों से भरा होता है। सेल क्या है एक सिली की सेल? इसके बंडल की कीमत है एक की 500 से 550। जो एक उठाएगा उसे 550 में देंगे, जो 10-12 उठाएगा या 20 या 50 उसे 500 के रेट में देंगे। अच्छा। जी इसमें कितनी सिलियाँ बनती है इसमें एक साथ? इसमें बनती है 800 से 850। जी हाँ सही। चेक करो, ये हाई वोल्टेज मशीन है, ये देखो, ये आप सामने देखो, ये देखो जो इस मशीन को चलाता है, ये देखो